मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब काफ़ी सर्दी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जिस तरह से इन्होंने अपने झंडे को लहराया है, क्या उसी तरह यह यूपी में भी लहराने में कामयाब होंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि बिहार में आप बीजेपी के साथ हैं और यहाँ पर आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों और क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? पहले तो मैं आपको एक चीज़ करेक्ट कर देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से कई सारे लोगों को गलतफहमी है। हम बिहार में बीजेपी के साथ नहीं हैं, हम बिहार में एनडीए के पार्ट हैं। बीजेपी और एनडीए में बहुत अंतर है। एक क्वेश्चन का जवाब आपका ये हो गया। दूसरा, आपने पूछा कि आप यूपी में वहाँ बिहार में वहाँ झंडा गाड़े हैं तो क्या यूपी में आप लोग क्या करेंगे? जो अभी 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, सत्ता में कौन आएगा, ये 18% आबादी का जो निषाद समाज है वही निर्णय लेगा। जिस तरफ यह समाज जाएगा उसी की सत्ता आएगी, ये बात आप जान लीजिए। यादव बिरादरी का जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी को मिलता है, दलित बिरादरी का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटी जो 22% है वो कभी सपा कभी बसपा में रहता है, अपर क्लास है वो जो है बीजेपी का वोट बैंक रहा है हमेशा से। अब रही बात ओबीसी में, सबसे ज़्यादा आबादी जो है निषाद कम्युनिटी की है, 18% की आबादी, और ये 18% आबादी कभी सपा को वोट किया, कभी बीजेपी को वोट किया, जैसे पिछली बार बीजेपी को वोट हम लोगों ने किया। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया है, जो उनका रवैया है हमारे डिमांड को लेके, हमारी डिमांड तो एक ही है रिजर्वेशन की, हमारी डिमांड को लेके जो उनका व्यू और उनका रवैया रहा है, उससे कहीं ना कहीं निषाद समाज बहुत आहत हुआ है। तो इस बार ये 18% जिस डायरेक्शन में चला जाएगा, उस डायरेक्शन में उसी की गवर्नमेंट बननी है, ये तो तय है। अब मंत्री जी का निर्देश और आदेश है कि हम लोग सभी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हम सभी 150 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो हमारी बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम 1,00,000, 1,50,000 की आबादी रखते हैं, और उन आबादी उस तरीके से अगर मान लीजिए हम 150 सीट में चुनाव लड़के हम 20-15 चुनाव सीट निकाल लेते हैं, और सपोज़ करिए कि बसपा समाजवादी पार्टी को भी नहीं अगर मिलता है, मेजॉरिटी में आती है, और बीजेपी भी मेजॉरिटी में नहीं आती है, तो जो हमारे 15-20 विधायक होंगे किंग मेकर की भूमिका में वही होंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से निषाद कम्युनिटी के लोग जिस डायरेक्शन में जाएंगे, ये समाज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी की सत्ता आएगी, और निषाद अब जग चुका है, और अब जो है हम लोग अपना हमारा चुनाव निशान वोट नाव जो है आ चुका है, और इसी चुनाव निशान पर जो है हम लोगों को सब कुछ जागृत करके, जन जागृत करके अपना वोट डलवाना है और डालना है, और निषाद इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो चुका है। सर, मोदी जी का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कानून राज कायम किया पूरे प्रदेश में, उससे यह प्रतीत होता है कि अगले बार भी जनता बीजेपी को ही चुनेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? के कानून राज में 200 रुपया किलो सरसों का तेल होगा, लेकिन गरीबों के कानून राज में 200 रुपया लीटर सरसों का तेल नहीं, 50 रुपया किलो आटा नहीं, रेल बेच दिए, गेल बेच दिए, भेल बेच दिए, सारी सरकारी संस्थान बेच दिए। केंद्र सरकार ने बेचा, ठीक है, केंद्र सरकार का पार्ट ही तो है योगी जी भी, उसी केंद्र सरकार का पार्ट तो योगी जी भी है। अगर ये चाहते तो अपोजिशन बोलते उनको विरोध करते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। किसी भी सर्व संस्था को कितनी मेहनत से बनाया जाता है, कितना बजट लगाया जाता है, कितनी उस पर एनर्जी, कितनी पॉलिसी बनती है, और एक झटके में अगर उस सरकारी संस्था को बेच दिया जाएगा, आपका या किसी का लड़का या किसी के घर का लड़का, एक लड़के को पढ़ाने लिखाने में समाज कितना मेहनत करता है, लोग कितना पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहता है, तो कहीं उसको रेलवे में, कहीं परिवहन निगम में नौकरी मिलती है। आप रात को सोए रहेंगे और सुबह उठेंगे और कहें, आपको पता चलेगा कि जो लड़का आपका रेलवे में नौकरी करता था उसकी नौकरी चली गई, जो लड़का आपका परिवहन निगम में नौकरी करता था उसकी नौकरी चली गई,
ऐसी सरकार को आप वोट करेंगे क्या? ऐसी सरकार को आप चुनेंगे क्या? कौन चुनेगा इनको दोबारा बताइए? कौन सा कानून राज ये इम्प्लीमेंट किए हैं बताइए ना? देखिए दावा तो कुछ भी हो सकता है, दावा करने के लिए अपने मंच पर तो कोई कुछ भी बोले। 300 पार अगर जाते हो तो दिल्ली से लखनऊ आके ये बात कहने की क्या जरूरत थी? दिल्ली में ही बोल देते कि अब की बार 300 पार। यहाँ आके और निषाद समाज को लॉलीपॉप दिए लोग कि हम लोग आरक्षण की घोषणा करेंगे, और हमारे ही समाज के एक लोग थे जो इसमें मिसगाइड करके लोगों को पहुंचा दिए, वहां लोग पहुंच गए, जो भी 10-20-50 हज़ार लोग थे निषाद समाज के लोग थे। निषाद समाज का कम आर्थिक नुकसान हुआ है? 75 जनपदों से निषाद समाज वहां पहुंचा, 50-60 हज़ार निषाद समाज वहां पहुंच गया। अगर एक निषाद समाज, मान लीजिए एक व्यक्ति 300 रुपये की अपनी दिहाड़ी तोड़ कराया होगा, तो 1,50,00,000 रुपये का नुकसान हुआ। अमित शाह भर देंगे? योगी जी दे देंगे? कौन देगा इसको? हमारा समाज तो वैसे ही गरीब है। आप कैलकुलेशन करिए ना, आप कैलकुलेशन करिए, 1,50,00,000 रुपये का नुकसान कौन देगा? बीजेपी देगी? और अगर मान लीजिए ये उनकी दिहाड़ी टूटी 300 रुपये 250 रुपये की, तो 1,50,00,000 है, और 300 रुपया जो वो लगा के आए तो 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ये आर्थिक नुकसान भी तो हमारे समाज के लोग किए हैं इस तरह से। चलिए आखिरी सवाल, जिस तरह से बिहार में आप अभी तीन बार चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं या चाहें तो सरकार चल भी रही है, तो क्या ऐसा आपको उम्मीद है कि ऐसा है कुछ उसमें भी देखने को मिलेगा चुनाव के बाद? इससे बड़ा होगा उत्तर प्रदेश में। जो आबादी बिहार में है उससे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, और जितनी सीटें बिहार में है उससे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार के निषाद समाज में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ के लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, जागरूक हैं बिहार से। बिहार थोड़ा हमारा देश का पिछड़ा प्रदेश है, वहाँ अभी हमारे बिरादरी के लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में निषाद जागृत है, तो यहाँ निश्चित रूप से परिणाम बड़ा दिखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। तो आपने देखा कि संतोष सहनी जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है VIP यानी विकासशील इंसान पार्टी जो है, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो वह किंग मेकर के रूप में उभरेगी, और कहीं ना कहीं 50 से अधिक सीटों पर जो है इस बार इनकी जो प्रत्याशी है उन्हें जीत मिलेगी। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया। धन्यवाद।